गिरिडीह के गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा ने कमल छोड़कर तीर धनुष थाम लिया है। सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इन्हें जेएमएम की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर सीएम ने सभी आदिवासी मूलवासियों से एक छत के नीचे आने की अपील की। के पूर्व विधायक जेएमएम में शामिल कमल छोड़ जेपी वर्मा ने थामा तीर धनुष। ईडी की पूछताछ से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी को झटका दिया है। गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा और शत्रुघ्न मंडल ने कमल छोड़ तीर धनुष थाम लिया है। सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन्हें जेएमएम की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर सीएम ने कहा कि अब समय आ गया है जब सभी आदिवासी और मूलवासी एक छत के नीचे आए। साथियों, अब समय आ गया है जब इस राज्य के मूलवासी आदिवासियों को एकजुट होना और एक छत के नीचे आने का। राज तो हम लोगों ने लड़कर ले लिया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस राज को चलाने का, दिशा देने का काम दुर्भाग्य से ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जिन लोगों ने कभी इस राज की हित नहीं सोची। जयप्रकाश वर्मा और शत्रुघ्न मंडल के अलावा प्रदीप हाजरा और दूसरे दलों के कई नेता कार्यकर्ता भी जेएमएम में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के बहाने बीजेपी पर हमला बोला। हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर षड्यंत्र करने का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि अपडेट रहिए, इन सबको देख लूंगा। बैठक है, कुछ षड्यंत्रकारी पनडुब्बी सब पानी से बाहर निकलने का कोशिश कर रहा है। उस षड्यंत्र को अभी नाकाम करने के लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इस बात को अब आप लोगों को जवाब देना है। ये सब इस राज्य में ये षड्यंत्रकारियों का राज चलेगा कि यहाँ के मूलवासी आदिवासियों का राज? आप लोग खड़े रहिए, आप लोग डटे रहिए, मैं इन सबको एक एक करके देख लूंगा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि पिछले 20 सालों का शासनकाल राज्यवासियों के लिए पीड़ादायक रहा है। जनता और कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ हुआ है। हेमंत सोरेन ने कहा कि गुरुजी ने अलग राज दिलाया और अब हमने 1932 के खतियान पर स्थानीय नीति और ओबीसी के 27% आरक्षण दिया है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश और विपिन की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।